सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमने एक सीरीज चलाई है, इसमें जो है उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं UKSSC और UBTR को मिलाकर टोटल जो है 20 से 25 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने आपके लिए अरेंज किए हैं। तो हम वीकली एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता वो वाला पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाली वीडियो में हम जो है उत्तराखंड के वीडियो और BPDO कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट अकाउंटेंट और कनिष्ठ अभियंता जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो ठीक है टोटल हमने यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। ठीक है, UKSSC और UBTR के टोटल। ठीक है, तो इसको हम वीकली यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ISP से क्या ऐसे है। तो ISP जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम आने वाले एग्जाम में DNS से क्या तात्पर्य है, या HTTP से क्या तात्पर्य है, या TCP/IP से क्या तात्पर्य है। तो DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, आपको याद रखना है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसे आपसे पूछे जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब याद रखने हैं। अगला है हीराकुंड का संबंध है। तो हीराकुंड का संबंध है महानदी से। देखिए हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, कहाँ पर है, महानदी पर, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। बाकी जो है एक और बांध आपको याद रखना है, सतलज नदी पर बांध याद रखना है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पर। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। तो CNG का मुख्य घटक कौन सा है, मिथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको साथ ही साथ याद रखना है CNG की फुल फॉर्म याद रखनी है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, और एक और आपसे पूछा जा सकता है टर्म जो है LPG। ठीक है, LPG जो होता है इसका जो है इसके घटक पूछे जाते हैं। इसके घटक होते हैं प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन। ठीक है, इसमें जो होता है 95% तो प्रोपेन होता है और प्लस 5% इसमें ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो LPG की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है LPG की फुल फॉर्म होती है। देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। कभी आपसे पूछा जाए तो उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी ऑप्शन में होगा, तो वहाँ पर आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए सौर कुकर में जो है विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। अगला पूछा गया था संचार उपग्रह के लिए सामान्य उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा कौन सी होती है। तो देखिए भूतुल्यकालीन कक्षा जो होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है संचार के लिए, और यहाँ पर कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो या कोई भी जो स्पेस एजेंसी होती है वो जो है यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कहाँ लॉन्च करती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या भूतुल्यकालीन या लोअर अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर वो सैटेलाइट को लॉन्च करती है। ठीक है, तो इसरो की बात करें तो इसरो के जो स्थापना हुई थी 1969 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। अगला है बग्वाल मेला आयोजित किया जाता है। तो बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा चंपावत में, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देवीधुरा चंपावत में बग्वाल मेला हर साल लगता है, और बग्वाल मेला यहाँ पर मंदिर कौन सा है, माँ बाराही देवी का मंदिर है यहाँ पर। बग्वाल मेला यहाँ पर हर साल आयोजित किया जाता है। और बात करें चंपावत में और मंदिर जो है ये याद रखना है, पूर्णागिरी मंदिर भी याद रखना है आपको, पूर्णागिरी मंदिर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है टनकपुर में है, पूर्णागिरी मेला भी लगता है हर साल वहाँ। और अगला याद रखना है आपको चंपावत के जो किले याद रखने हैं दो, राजबुंगा का किला
और बाणासुर का किला, ठीक है, ये दो किले आपको याद रखने हैं चंपावत में। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, मायावती आश्रम कहाँ है, ठीक है, मायावती आश्रम कहाँ है, ये भी जो है चंपावत में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, महासू देवता का मेला जो है जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। महासू देवता का मेला कब लगता है? हर साल लगता है अगस्त के महीने में, ठीक है। अगला है, कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, टपकेश्वर देहरादून सही है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग सही है, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा सही है। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो फेमस है कस्तूरी मिर्गी के लिए फेमस है, ठीक है, कस्तूरी मिर्गी के लिए अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गलत युग्म का आपको चयन करना है, झंडा मेला देहरादून में लगता है, सोना नदी पार्क जो है टेहरी गढ़वाली, ये गलत है, ठीक है। सोना नदी पार्क है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये जो है आपको आपको याद रखना है, पौड़ी में स्थित है, ठीक है, पौड़ी में। बाकी फूलों की घाटी चमोली सही है, नानकवत्ता उधम सिंह नगर सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सही युग्म का आपको चयन करता है, हर्षिल जो है उत्तरकाशी और उखीमठ रुद्रप्रयाग, पंतनगर हवाई अड्डा ये जो है यूएस नगर है, उधमसिंह नगर में है पंतनगर हवाई अड्डा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो देखिए, टिहरी बांध उत्तराखंड का ही नहीं, बात करें ये जो है भारत का भी सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, भारत का भी सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। इसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर इसकी हाइट है। अगला है, पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है? तो पिरुल पाया जाता है चीड़ के पेड़ से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है यहाँ पर वायसराय थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो ये दिया था करो या मरो का, करो या मरो का। ये कब हुआ था? 1942 में होता भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, आंग सान सू की कहां से संबंधित? तो ये जो है म्यांमार से संबंधित है आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे? तो अशोक कांत सरन जो है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। अगर महिला की बात की जाए तो वो थे कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनका जो है हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो ये जो है महिला पुलिस महानिदेशक थे प्रथम, और पहले पुलिस महानिदेशक पूछा जाए तो अशोक कांत सरन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साग का सदस्य है? तो देखिए, ऑप्शन ये सारे राइट हैं, सभी जो हैं साग के सदस्य हैं। सार की बात करें तो सार का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। बाकी पांच इसमें कंट्रीज है, इसमें टोटल 8 कंट्रीज है, ठीक है, तीन तो ये हैं, इसके बाद जो है बात करें तो नेपाल, मालदीव, भूटान, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, टोटल 8 कंट्रीज हैं इसमें। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल, ठीक है, मोनाल जो है उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, साथ ही साथ ये जो है नेपाल का भी राज्य पक्षी है, ठीक है। अगर बात करें इससे पहले, ये इससे पहले हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी था। और मादा मोर जो होता है, मादा मोर को ही मोनाल कहा जाता है, ठीक है, और इसका प्रिय आहार जो होता है आलू, इसका प्रिय आहार होता है, ठीक है। अगला है, बीसू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जौनसार भावर क्षेत्र में जो है बीसू मेला आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आयरीन पंत को किस नाम से जाना जाता है, तो आयरीन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, दोनों के नाम से जाना जाता है। देखिए आयरीन पंत का जन्म जो होता अल्मोड़ा में होता, ठीक है, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है, इनका नाम था सीला आयरीन पंत, और बाद में इनकी जो इनका जो विवाह होता वो होता पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली से इनकी शादी हुई थी, तो इसलिए इनको पाकिस्तान की बहू और अल्मोड़ा के बेटी के नाम से जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन है, काली और गोरी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो काली और गोरी नदी का संगम होता है जौलजीबी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जौलजीबी मेले की बात करें तो जौलजीबी मेला लगता है यहाँ पर, हर साल जौलजीबी का मेला लगता है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1914 से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। अगर आपसे राज्यसभा की पूछा जाए तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। अगला है, गलत युग्म का चयन करना आपको, भारत माता मंदिर हरिद्वार सही है, कैंची धाम जो है ये नैनीताल में है, ये गलत है, काली मठ रुद्रप्रयाग और कुंजापुरी मंदिर टिहरी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 25वां है, सूची एक का सूची दो से मिलान करना आपको, अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी है क्या, ईटानगर, ठीक है, मिजोरम की बात करें तो आइजोल, गुजरात की गांधीनगर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करना है, 26वां क्वेश्चन है, तो देखिए ये जब एग्जाम होता तब के ये क्वेश्चन है, तो अभी तो चेंज हो गए हैं, पंजाब के जो हैं अभी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी यही हैं, तेलंगाना के जो हैं अभी हैं के चंद्रशेखर राव, और मेघालय के हैं थांगला। और 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है, तो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है फुटबॉल, ठीक है, वर्ष 2011 से जो है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल है। अगला है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है उपरोक्त सभी क्षेत्र में, देखिए चिकित्सा शास्त्र में, कृषि में, औद्योगिकी में, सब में किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियों का उपयोग में लाता है, तो निम्न शहतूत की पत्तियों का उपयोग में लाता है रेशम कीट पालन, ठीक है, इसे सेरीकल्चर भी कहते हैं, आपको याद रखना है, रेशम कीट पालन जो है शहतूत की पत्तियां जो हैं उपयोग में लाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं कौन से हैं, ये क्वेश्चन जो है जब एग्जाम होता तब का है, तो अभी जो है उत्पल कुमार जो हैं उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं, और ये जो है 15वें मुख्य सचिव हैं, ठीक है, 15वें मुख्य सचिव हैं उत्पल कुमार 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है, देखिए आपको ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है, संयुक्त वाक्य नहीं है पूछा यहाँ पर, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है संयुक्त वाक्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ठीक है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो और आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दो क्रियाओं की बात की जा रही थी, एक ये एक ये, ठीक है, तो यहाँ पर भी और आ रहा है, या यहाँ पर यह आ रहा है, जब भी ये आए देखिए जहाँ पर और आता है तो ये होता है संयुक्त वाक्य होती है, तो या आए संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे और वो या किंतु परंतु न इस टाइप के या इस टाइप के वर्ड आते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट है, अब पूछा है यहाँ पर, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, तो देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, जब दो सरल या संयुक्त सरल या हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य मिलते हैं, ठीक है, मिलने से जो है संयुक्त मिश्र वाक्य बनता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए दो संयुक्त दो सरल वाक्य, देखिए यदि इस बार वर्षा ना हुई, ठीक है, इस बार वर्षा ना हुई, एक ये सरल वाक्य है, दूसरा सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है, तो बीच में आ रहा है तो, आपको याद रखना है जहाँ पर तो आएगा वहाँ पर जो है मिश्रित वाक्य होगा, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस बड़े नाम पर आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो
तो संक्षेप सूचक, ठीक है, संक्षेप सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जो है इसको शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पर संक्षेप सूचक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत काठी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है अधिक मित्रता होना, ठीक है, घनिष्ठ मित्रता या अधिक मित्रता होना को कहते हैं दांत काटी रोटी होना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। तो गोबर गणेश होने मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रहीम गति दीप कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द यहां पर चयन करना है, तो आशीर्वाद जो है ऑप्शन नंबर ए शुद्ध शब्द है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें से। तो देखिए सभी जो है अशुद्ध शब्द हैं, उपरोक्त तो सभी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि के शब्दों को चयन कीजिए, ठीक है। यण संधि देखिए अत्यधिक जो है इसमें भी यण संधि है और स्वागत में भी यण संधि है। देखिए यण संधि क्या होता है, जब ई प्लस अ मिलकर यौ या ई प्लस आ मिलकर या ऊ प्लस ओ मिलके व या ऊ प्लस आ मिलके वा बनाते हैं, तो उसमें यण संधि होती है। नेक्स्ट है, उत्तधन मत उन्मत में कौन सी संधि है। तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मालत फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डरी के, मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। और देखिए यमक अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है, एक शब्द की जो है बार बार आवृत्ति होती है उसमें यमक अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास क्या होता है, जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसमें वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकयुक्त का अर्थ है। तो इसका अर्थ है एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, ठीक है, एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 43वां क्वेश्चन है, दो पद क्रिया के होने की रीति तथा विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं, ठीक है। 44वां है, पुनरुक्त शब्द शब्दों का चयन कीजिए, ठीक है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय हो का काम करता है। तो क्या कहता है, अव्यय भाव समास कहता है, जब पूर्व पद जो है अव्यय होता है, ठीक है, और समस्त पद जो है अव्यय का कार्य करते हैं, तो वो कहता है अव्यय भाव समास। अगला है, कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। तो देखिए कर्मधारक समास का उदाहरण नहीं है, एक पूछा है, तो इसका उदाहरण नहीं है रसोई घर, ठीक है। देखिए कर्मधारक समास होता है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराया जाता है, ठीक है, तो वो कर्मधारक समास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले शब्दों को कहते हैं, तो कारक कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है। तो अपादान कारक है, ठीक है, अपादान जो है कारक है इसमें वाक्य में, पेड़ से कई आम गिरे, ठीक है। तो देखिए अपादान कब होता है, अपादान से, ठीक है, जहाँ पर से आता है। और याद रखना है अपादान कारक जो होता है वो अलग करता है, ठीक है, जैसे पेड़ से क्या हुआ, आम अलग हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी युग्म जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का, अगला क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का परिणाम का बोध कराए उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं परिणाम वाचक विशेषण, ठीक है। जब भी माप तोल आए किसी में, ठीक है, माप तोल की बात आए, तो उसमें जो होता है
परिणाम की बात की जाती है तो परिणाम वाचक जो विशेषण उसमें होगा, ठीक है। 91 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। तो ये जो है सभी जो है यौगिक शब्द हैं, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगला है, दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल को से बने हुए शब्द कहलाते हैं। तो संकर शब्द कहलाते हैं दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल को। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, रेलगाड़ी, ठीक है। अगला है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नव और शून्य जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 है, ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो है स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो कुटिल का जो विलोम होता है वो होता है सरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ठीक है। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला पूछा गया था, शब्द देनदार तथा लेनदार में कृत्य प्रत्यय का चयन कीजिए। तो देनदार और लेनदार में जो है क्या प्रत्यय है, दार प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय जो क्या होता है, जो पीछे से लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेनदार में जो है दार जो है प्रत्यय है, और देनदार में भी दार प्रत्यय है। अगला है, बादब बकाया शब्दों का आगत उपसर्ग क्या है। तो बादब और बकाया में उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें जो है बा उपसर्ग है, किसी शब्द के जो स्टार्टिंग में लगा होता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो अंत में होता है उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें बा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द इसमें प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए जो है शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, बहुब्री समाज के उदाहरण का चयन कीजिए। तो बहुब्री समाज का उदाहरण है इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्री समाज दशानन, गजानन और नीलकंठ जो है बहुब्री समाज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय क्या है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 62वां क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में जो है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। 63वां क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो एनपी नवानी जो है लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जा सकता है 2020 में कौन है, ठीक है। तो आनंद सिंह रावत, ठीक है। आनंद सिंह रावत जो हैं अभी जो हैं UKPSC के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया था उत्तराखंड के। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2016 का, लेकिन अभी 2020 की बात करें तो 2020 में कौन है, चंद्रशेखर भट्ट जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उत्तराखंड के। अगला है, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन है। तो देखिए प्रथम राज्यपाल तो थे सुरजीत सिंह बन्नाला, और द्वितीय कौन से, सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो बेबी रानी मौर्य जो हैं अभी उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला पूछा गया था, पांडव नृत्य त्यौहार के समय किया जाता है। तो दीपावली के समय किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पांडव नृत्य। 67वां पूछा गया था, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हुड़का, ठीक है। हुड़का जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र में जो है रोपाई के टाइम पे जब खेती की जाती है धान की, तो हुड़का यहाँ पर बजाया जाता है, ठीक है। तो ये फेमस है बहुत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो देखिए पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर, ये है देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय है ऑप्शन नंबर ए कालाडुंगी में, ठीक है। नैनीताल के कालाडुंगी में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। तो किसके द्वारा चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, पीटीआई का पूर्ण स्वरूप है। तो पीटीआई का पूर्ण स्वरूप है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं। तो देखिए इसको आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये उस टाइम का क्वेश्चन है, अभी के याद रखना है। तो अभी के गृह मंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है अभी गृह मंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री भी हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, इससे भी आपको याद नहीं रखना है। देखिए उस टाइम पे तो थे उर्जित पटेल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। देखिए अभी जो आपको याद रखना है, अभी जो है गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आपको याद रखना है 2020 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से डैश की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने कक्ष पर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण जो है पूर्व में पहले जो है, ये देखिए पूर्व से यहाँ पर दिन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो सूर्य से पूर्व से यहाँ पर सूरज निकलता है इसी कारण से, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपने कक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है सभी गलत हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250 यहाँ पर है भारतीय संविधान में, ठीक है। इसमें 238 तो जो है निर्वाचित होते हैं और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, 76वां क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो हरिदत्त कपाड़ी और अभिनव बिंद्रा, मधुमिता बिष्ट और हंसा मनराल शर्मा आपको बताना है, ठीक है। कौन सा इसमें आंसर में सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जो है, राजीव गांधी खेल रत्न, मधुमिता बिष्ट आपको पद्मश्री, हंसा मनराल द्रोणाचार्य और हरिदत्त कपाड़ी जो है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, डैश को उत्तराखंड को गोल्डन बॉय के नाम से जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जसपाल राणा को, ठीक है। जसपाल राणा को उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है। अगला है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता। तो वह इंटरनेट एड्रेस होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है। अभी आपको मैंने आपको बताया था आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी की फुल फॉर्म। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है रोजाना नहीं बदलता है। अगला है, www.google.co.in में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है। तो देखिए इसमें है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद की मूल रचना किस में हुई थी, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, बैरोमीटर का उपयोग डैश में होता है। तो बैरोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है, वायु दाब मापने के लिए, ठीक है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो देखिए भोटिया, जौनसारी, बोक्सा जो है, ये सभी जनजातियाँ जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं। टोटल 5 जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में। इसके अलावा जो है राजी, और थारू आपको याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 70+1। और बात करें तो उत्तराखंड में राज्य में लोकसभा की तो 5 सीटें हैं, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी है विधानसभा में, 13 सीटें हैं। और 2 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो टोटल 15 सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं। 86वां क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ की है, हरिद्वार की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। सबसे कम आपसे पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग की जो है सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है।
अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? हरिद्वार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो उत्तरकाशी का। ठीक है, हरिद्वार का कितना है जनसंख्या घनत्व? 801। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा गया यहाँ पर, ना कि IIT। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। IIT पूछा जाता तो वो है हरिद्वार के रुड़की में। अगला है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM पूछा गया है। ठीक है, IIM कहाँ स्थित है? तो यह है काशीपुर में। और बात करें इसकी स्थापना की, तो 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो ये जो कहाँ हुआ था? चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन है, कटारवन मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कटारवन मंदिर जो है सूर्य देवता से संबंधित है। ये कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा की कोसी में। ठीक है, अल्मोड़ा की कोसी में है सूर्य देवता से संबंधित कटारवन मंदिर। ये कौन सी शैली में बना है? उत्तराखंड शैली में बना है, आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कालू मेहरा। ठीक है, कालू मेहरा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं के जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो कालू मेहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व समुद्र दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2008 से। ठीक है, 2008 से मनाया जाता है विश्व समुद्र दिवस 8 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत और डेस का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो भारत और दक्षिण कोरिया, ठीक है, का जो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। और एक और बात बताऊँ आपको, नॉर्थ कोरिया का भी स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो वह है अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी? तो ये दी थी गांधी जी ने, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं है? तो देखिए, हेमंत नंदन भोलकर राजनीतिज्ञ हैं, और आई के गुजराल जो है पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व आई के गुजराल जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है राजनीतिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक पर्यावरणवादी है, इनका संबंध है चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। ठीक है, अगला है 99वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, आपको याद रखना है। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है, तो इसमें से प्राथमिक रंग बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्राथमिक रंग जो होता है नीला, हरा और लाल। ठीक है, ये जो है प्राथमिक रंग है। ठीक है, मतलब कि इनको किसी रंग से मिलाकर नहीं बनाया जाता है, जो भी रंग बनते हैं इन 3 रंगों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो इसलिए प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।